तो लास्ट टाइम तक वी वर हैविंग ये 2-1-1 तक का डिजर्शन फ्रॉम अ फॉरेन शिप का कर लिया था कि उसमें कॉन्सुलेट ऑफिसर जो है वो एप्रिहेंशन शो करेगा, तो उसके बाद उसे डिलीवर कर दिया जाएगा मेट मास्टर और शिप ओनर को. नाउ 2-1-2, तो ऑफिशियल लॉग बुक रिक्वायर्ड, एन ऑफिशियल लॉग बुक शैल बी केप्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन एवरी इंडियन शिप एक्सेप्ट अ होम ट्रेडिंग शिप ऑफ लेस देन 200 टन ग्रॉस. तो जो ये वाली लाइन है, तो इसमें पूछा जाता है ऑफिशियल लॉग बुक किस में रिक्वायर्ड है. तो द क्वेश्चन इटसेल्फ इज ऑफिशियल लॉग बुक रिक्वायरमेंट. तो उसमें सीधी सी बात है, वी हैव टू से दिस ऑन एवरी शिप एक्सेप्ट होम ट्रेडिंग शिप ऑफ लेस देन 200 ग्रॉस टनेज, या इनकी जगह ऑन कर देना, बस यही है. और फिर एंट्रीज ऑफ द ऑफिशियल लॉग बुक, इट इज दीज एंट्रीज विच शुड बी मेड एज पर MS Act. तो ये वाली एंट्रीज हैं. तो एन एंट्री रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द ऑफिशियल लॉग बुक शैल बी मेड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ इट रिलेटेड एंड इफ मे नॉट एट द सेम डे ऑफ द अकरेंस. कि मतलब अगर वो तो सेम डे होना चाहिए, अगर सेम डे में नहीं है तो विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स आफ्टर द अराइवल हो ही जाना चाहिए, उसके बाद नहीं करना है कोई भी. ओके, नंबर टू क्या कि ये वाली एंट्रीज हैं इसमें जो हैं, दैट इज से सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एवरी एंट्री ऑफ द ऑफिशियल लॉग बुक शैल बी साइन बाई मास्टर एंड बाई मेट और सम अदर मेंबर ऑफ द क्रू एंड ऑल्सो. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मास्टर मेट और सम अदर, तो उसमें क्या है इंजरी और डेथ. तो कौन सी एंट्रीज मेट साइन करता है, कौन सी एंट्री मास्टर साइन करता है, वो यहाँ पे साफ लिखा ही हुआ है कि 2-1-3 में कि मास्टर एंड मेट और सम अदर क्रू मेंबर ऑफ द सम अदर मेंबर ऑफ द क्रू. तो इसमें लिखा ही हुआ है कि इंजरी के केस में, डेथ के केस में, और वेजेस ड्यू एंड प्रॉपर्टी ऑफ अप्रेंटिस हु डाइज ऑन बोर्ड, दैट इज डिसीज्ड सीमैन यहाँ पे बोल दिया गया है. और मैनुअल प्रोवाइडेड है ना एक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. तो थर्ड एंट्री ये वाली है कि एवरी एंट्री मेड इन द ऑफिशियल लॉग बुक इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट शैल बी एडमिसिबल एज ए एविडेंस. ये लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट में क्या क्या एविडेंस की तरह लेते हैं. ओके, तो ये जो है चार में, तो 2-1-3 में एंट्रीज इन द ऑफिशियल लॉग बुक एंड हाउ एंड वेन टू बी मेड. तो इसमें जो है 2-1-3 इज हाउ एंड वेन, कब करना है और किस तरीके से करना है ये बताता है 2-1-3. ऑफिशियल लॉग बुक एंट्रीज जो होनी चाहिए वो है 2-1-4 में, एंड दीज एंट्रीज टू बी मेड. इसके साथ साथ में कुछ और भी एंट्रीज हैं, दैट ऑल्सो आई विल कवर अप. कि एंट्रीज रिक्वायर टू बी मेड इन द ऑफिशियल लॉग बुक, द मास्टर ऑफ द शिप फॉर विच एन ऑफिशियल लॉग बुक इज रिक्वायर्ड, ये तो छोड़ देते हैं. एवरी कन्विक्शन, कन्विक्शन में क्रू पनिशमेंट्स, कन्विक्शन पनिशमेंट ऑफेंस जो पिछले पहले थे वो सब लिखे हुए इसमें. ऑफेंस देन इसमें ये ऑफेंस कमिटेड बाय द मेंबर ऑफ द क्रू फॉर विच इट इज इंटेंडेड टू बी प्रोसिक्यूटेड और टू बी एनफोर्स्ड और द फोर्स फिटेड और एग्जैक्ट अ फाइन, जिसमें फाइन भी लगा, एक्सट्रैक्ट अ फाइन टुगेदर विद द स्टेटमेंट कंसर्निंग द रीडिंग ओवर एंट्रीज. ओके, फिर एवरी ऑफेंस फॉर विच अ पनिशमेंट, इसमें फाइन का भी एंट्री होनी चाहिए, पनिशमेंट की भी एंट्री चाहिए. उस टाइम जब हमने पढ़ा हुआ था, तो जब हम फाइन्स का पढ़ रहे थे, तो इट वॉज गिवन कि इट शुड बी रिटन इन द ऑफिशियल लॉग बुक. और इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिसर जो है उसको, जब हम ऑफेंस का कर रहे थे, मतलब MS Act 1958 का सेक्शन 194 वाला, तो उसमें लिखा बताया हुआ है 194 और 196 में कि अगर फाइन है तो भी किस तरीके से इम्पोज होगा. लाइक वाइज जस्ट टू सी
whenever this one proceedings. Fine wala 202 tha, 202, so it is 202, not 196, 194 mein. It is in 202 payment ye wala. Indian consulate officer ye wala. Satisfaction of the Indian consulate officer and signed by the officer of orga made in the official logbook. So this one is this one. So it should be also made. So yahan se wo bhi extract kiya gaya hai. From here only it is extracted. Fir a report on the quality of work of each member of a crew. So ye report a report of each member of crew. Yeah, report of each member of the crew. Ye ho gaya. In case of illness ho gaya, hurt or injury ho gaya, happening. In case of death happening on board, they two together with such a particulars. कि उनके death के जो deceased person है या deceased seaman है उसकी जो crew effects हैं या effects हैं उसका. Every birth, every marriages. This is taking place. Every marriage is taking place. The name of every seaman or the apprentice who ceased to be the member of the crew otherwise than by death in the time of the manner. Ye sab likha hua hai. Wages likha hua hai. Money, property of deceased likha hua hai. So this is all. It is. So deceased seaman marriages ho gaye, births ho gaye, convictions ho gaye, offenses ho gaye. Iske baad jo normal jo hum logo ko pata hai ki jaise ki मैंने सेकंड मेट का या थर्ड मेट का या चीफ मेट का या मास्टर का मैंने इस तरीके से याद किया था. सबसे पहले जो है वो मास्टर का है, तो मास्टर अगर चेंज ओवर होते हैं तो वो भी एंट्री होती है. चीफ मेट जो है अराइवल डिपार्चर ड्राफ्ट प्लस बैलास्ट. जनरली बैलास्ट कहीं बहुत जगह मैंने पढ़ा बट बैलास्ट इज नो वेयर रिटन, बट बैलास्ट इज ऑल्सो रिटन द ऑफिशियल लॉग बुक. तो बलास्ट हो गया, फिर जो हमारे ड्रिल्स, फिर चीफ ऑफिसर का ये हो गया, फिर सेकंड मेट से. तो अगर डिस्ट्रेस हो गया, इन केस ऑफ डिस्ट्रेस, तो इफ द वेसल इज गिविंग असिस्टेंस और किसी ने डायरेक्ट किया कि डिस्ट्रेस पे चले जाओ और वहां पे जाकर के असिस्टेंस दो, तो वो भी. इन केस वी आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अ वेसल व्हिच इज इन द डिस्ट्रेस और अ पर्सन हु इज इन द डिस्ट्रेस, वो भी रिकॉर्ड करेंगे. और थर्ड मेट में अपना ड्रिल्स हो गए, फिर LSAFFA के इंस्पेक्शंस रिपोर्ट्स हो गई. तो दीज ऑल प्लस दीज के आई तक ये वाला. इसके बाद है द मास्टर ऑफ एवरी शिप सेल अपॉन इट्स अराइवल एट द पोर्ट ऑफ इंडिया और सच अदर टाइम्स प्लेसेस सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डिलीवर और ट्रांसमिट इन सच फॉर्म ऑफ द डीजी शिपिंग एज रिटर्न द फैक्ट ऑर्डर हिम. अच्छा ये तो बर्थ का ही है. ओके बर्थ का रजिस्ट्रेशन या डेथ का रजिस्ट्रेशन वो इधर से होगा. फिर 215 भी इम्पोर्टेंट है कि एन ऑफिशियल शैल बी केप्ट इन अ मैनर दैट रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड द एंट्री डायरेक्टेड एज पर द एक्ट मेड देयर टू विद इन द टाइम. नो पर्सन शैल मेड कोई भी इसको ये दिस वन. नो पर्सन शैल मेक और प्रोड्यूस टू be made or assist in making an entry in the official logbook in respect of any occurrence happening previously or on arrival of the ship at her final port or discharge more than 24 hours. मतलब 24 hours अगर किसी port पे arrive हो गए हैं तो उसके बाद entry नहीं कर सकते हम लोग official logbook में. यहीं से वो note of protest within 24 hours lodge हो जाना चाहिए. ये सब थोड़ा बहुत आता है. ओके नाउ डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लॉग बुक 216. ये भी डिलीवरी ऑफ द ऑफिशियल लॉग बुक टू द शिपिंग मास्टर. ये है कि ऑफिशियल लॉग बुक कितने दिनों तक रहती है ऑन बोर्ड या ऑफिशियल लॉग बुक का रिटेंशन पीरियड क्या है. तो ये है दिस थिंग. इसमें सब नहीं सेलेक्ट करेंगे. द मास्टर ऑफ एवरी शिप फॉर विच एन ऑफिशियल लॉग बुक इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर द एक्ट shall within 48 hours after the ship
arrived at the final port of destination in India or upon the discharge of the crew, whichever first happens, deliver the official logbook of the voyage to the shipping master before whom the crew is discharged. कि किस केसेस में ऑफिशियल लॉग बुक जो है वो विद इन 48 आवर्स शिपिंग मास्टर को डिलीवर कर देनी है. ओके नाउ ऑफिशियल लॉग बुक टू बी सेंट टू द शिपिंग मास्टर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शिप और लॉस में हो जाएगा, तो ये भी इसी तरीके से है. ऑफिशियल लॉग बुक टू बी सेंट टू द शिपिंग मास्टर इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शिप और लॉस, इसमें जो है दिस इज डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लॉग logs to the shipping master. It is not delivery of official logbook. ये logs हैं. मैंने पहले शायद गलत कह दिया कि official logbook. No, it is official log. Official log का मतलब हो गया जैसे offense हो गया या कुछ हो गया, तो उस cases में किसी ने कर दिया तो क्या करेंगे, तो within 48 hours जो है वो पहुंच जाना चाहिए shipping master के पास. It is official log, not official logbook. यहाँ लिखा ऑफिशियल लॉग बुक शैल बी केप्ट इन अ मैनर एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट एंड एंट्री. ओके एंट्री देयर इन शैल बी मेड एट द टाइम एंड द मैनर डायरेक्टेड. ओके दिस इज आल्सो ओके. तो ऑफिशियल लॉग बुक का ये वाला हो गया कि ऑफिशियल लॉग कब देना है, तो विद इन 48 आवर्स. ओके ऑफिशियल लॉग बुक ऑफिशियल लॉग्स टू बी सेंट टू द शिपिंग मास्टर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शिप और द लॉस, कि अगर जहाज डूब गई तब क्या होगा. इफ फॉर द रीजन द ऑफिशियल लॉग बुक सीजेस टू बी रिक्वायर्ड सीजेस, ये जो सीजेस लिखा है इसका मतलब है खत्म हो गई लॉग बुक, तब द मास्टर और द ओनर ऑफ द शिप शैल इफ द शिप इज देन इन इंडिया विद इन वन मंथ. तो ये रहा, दिस इज वॉट आई वॉज, जो कि मैंने उसमें बोल दिया था कि अगर ऑफिशियल लॉग बुक सीज हो गई खत्म हो गई तो विद इन वन मंथ. एंड इफ शी इज एल्सवेयर, कहीं और है, शी इज एल्सवेयर 6 मंथ्स में आफ्टर द सेसेशन, मतलब खत्म हो गई, डिलीवर्ड और ट्रांसमिट टू द शिपिंग मास्टर, ये दे देना है. तो देयर वर मेनी टाइम्स क्वेश्चन बीन आस्क्ड अबाउट दिस कि ऑफिशियल लॉग बुक रिटेंशन, तो एज पर 217 1 month or 6 month as the case may be. If the ship is lost, अब इसमें क्या ship lost कर दिया या abandon हो गया, तो the master or the owner thereof shall be if practicable and as soon as possible deliver or transmit the to the shipping master at the port of registry the official logbook duly completed upon the time of the loss of abandonment. तो ये बोला गया कि अगर हो गया तो ASAP, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दो, बट कितने दिन के लिए रखना है वो ये दिया गया यहाँ पे 217 में. सो नेक्स्ट वी विल सी. नाउ वी विल मूव मोर डाउन 218, तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट. Nothing about these things to want to know. ये वाला जो पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, पैसेंजर शिप का जो सर्टिफिकेट है, शिप शिप शैल नॉट सेल विदाउट द सर्टिफिकेट ए एंड बी, तो ये लिखा हुआ है शिप का, पैसेंजर शिप का, शिप शैल नॉट सेल विदाउट सर्टिफिकेट ए एंड बी. फिर कहा शिप इंटेंडेड टू कैरी द स्पेशल ट्रेड पैसेंजर बिटवीन द पोर्ट्स और द प्लेसेस इन इंडिया शैल नॉट कमेंस अ वॉयज फ्रॉम एनी पोर्ट और द प्लेसेस अपॉइंटेड अंडर द सबसेक्शंस ऑफ
दिस सेक्शन 237. तो 237 में भी हियर यू कैन सी ये पोर्ट और द प्लेसेस वेयर द स्पेशल ट्रेड पैसेंजर और द पिलग्रिम आर एम्बार्क्ड और डिस्चार्ज्ड. ये 237 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी जगह हैं और शिप आफ्टर डिपार्चर, मतलब कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं वो जनरली यहाँ पे हैं. फिर उसका सर्टिफिकेट ए और बी के बिना सेफ सेल नहीं कर सकते, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कि पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें, अगर एग्जम्पशन है तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप स्पेस सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट एज मेंशन इन 242. नाउ वी विल से 242 क्या है. सर्टिफिकेट बी इज 242. सो यहाँ पे कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ए यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो दीज ऑल आर रिटन ओवर. द फर्स्ट ऑफ द सर्टिफिकेट रेफर्स टू इन सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 240. तो सर्टिफिकेट ए में क्या क्या होता है ये देखते हैं हम. शिप इज सीवर्दी, शिप की प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आर फिटेड एंड वेंटिलेटेड, द नंबर ऑफ द स्पेशल ट्रेड पैसेंजर, ये स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप के केस में, द शिप इज सर्टिफाइड टू कैरी, और अगर कोई और पैसेंजर शिप अपनी नॉर्मल है तो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स विच द शिप इज सर्टिफाइड टू कैरी, सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ओके, सर्टिफिकेट ए शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो यहाँ पे ये लिखा भी है कि जो सर्टिफिकेट ए है अपने पास दैट इज फोर्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि हमारे सोलास में भी है कि 1 ईयर का ही होगा. फिर कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट बी, तो ए और बी दोनों चाहिए. ए का हो गया, ए में क्या है सीवर्दी है, और शिप की शिप पे जो भी इक्विपमेंट है इसको, जैसे ये शिप की शिप इज प्रॉपरली इक्विप्ड फिटेड एंड वेंटिलेटेड, ये वर्ड तो यहाँ लिखे, ये 3 वर्ड ही याद कर सकते हैं. और इसके सिवा वी कैन से कि कंस्ट्रक्शन जो है उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर एक साथ बोल सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द वेसल एंड सब डिविजन. तो सब डिविजन से स्टेबिलिटी होती है, तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर सब डिविजन स्टेबिलिटी. और जो थर्ड वन है वो है इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, तो उसको भी हम कर सकते हैं. तो उसमें भी सब कुछ आ गया कि उसकी हल्का स्ट्रक्चर आ गया, वेंटिलेशन का आ गया, मशीनरी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें. ये 16 चैप्टर 2 जो है उसका ये दिस इज 16 चैप्टर 2 पार्ट 1 ऑल्सो, उसकी जो हेडिंग्स हैं दीज आर द हेडिंग्स ओनली. सो उसके थ्रू भी हम याद कर सकते हैं. अगर 16 का वो याद है तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम नथिंग. तो एक सीवर्दीनेस हो गया और एक वो जो अभी बताया कि वहां से उठा सकते हैं. अदरवाइज दिस लाइन इज ऑल्सो स्मॉल, इक्विप्ड फिटेड एंड वेंटिलेटेड, वी कैन रट अप फॉर दिस वन. अगेन नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेड पैसेंजर्स द शिप इज सर्टिफाइड टू कैरी, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ए और बी है ना ये किसके लिए है, स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप्स के लिए हो रहा है. या अगर सिर्फ पैसेंजर शिप बोले तो पैसेंजर शिप में भी हम पैसेंजर्स बोल सकते हैं, बट जनरली टू स्टिक विद द सेम वर्ड्स विच इज हियर कि स्पेशल ट्रेड पैसेंजर्स. फिर सर्टिफिकेट बी में क्या होगा कि जो वॉयज विच द शिप इज मेकिंग एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स, ये हो जाएंगे. फिर शी इज दैट द शी हैज प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द ऑफिसर एंड सीफेरर्स या सीमेन सॉरी. तो मतलब वॉयज हो गया और उसके इंटरमीडिएट पोर्ट वो भी लिखे होने चाहिए, और शी इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सीमेन, मतलब सारे जितने चाहिए रिक्वायर्ड ऑफिसर और सी फेरर्स सीमेन्स हैं. और उसके बाद क्या, द मास्टर शैल होल्ड, क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेट ए और लिखा है यहाँ पे द वर्ड इज और अ पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट accompanied by an exemption certificate, अगर है तो. exemption certificate जो होता है, it is exemption का मतलब ये होता है कि मेरी ship जैसे है, it is doing only coastal waters, it is not doing international waters. तो मतलब मेरी ship है नहीं, but I am just saying कि let's suppose that we have a ship and it is only doing the coastal waters, it is not doing a international voyage.
जो इंटरनेशनल वॉयज, अगर मेरी शिप जो है कोस्टल कर रही है और उसे इंटरनेशनल में जाना है, तो उसके पास वो सारे इक्विपमेंट और वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल के पास होनी चाहिए। बट ओनली एक वॉयज के लिए जा रहा है, सिर्फ एक वॉयज के लिए जा रहा है और उसके बाद वापस आ जाएगा, तो मैं एक एग्जम्पशन ले लूँगा कि फ्लैग से कि मैं सिर्फ एक वॉयज के लिए जा रहा हूँ। तो फ्लैग कहेगी कि एग्जम्पशन हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम तो कोस्टल में जा रहे हो सिर्फ, तो भाई एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? तो वो बोलेंगे तुम उस स्टैंडर्ड का सेफ्टी और इक्विपमेंट लगा दो जिस स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल में रहता है। मानते हैं एग्जैक्टली तुम्हारे पास एग्जैक्टली जो है उसी प्लेस पे नहीं होगा जिस प्लेस पे होना चाहिए, बट वी विल सर्वे दैट। तो इंटरनेशनल वॉयज में जाने से पहले मैंने कहा अच्छा आप लोगों ने कहा है, तो मैंने उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट और सारे इक्विपमेंट जो भी लगाने थे अकॉर्डिंगली मैंने लगा दिए, और उसके बाद अब वो सर्वे कर लेंगे और देख लेंगे अच्छा नाउ दिस वेसल इज फिट टू गो ऑन इंटरनेशनल वॉयज ऑल्सो। तो वो एक वॉयज के लिए मुझे एग्जम्पशन दे देंगे ड्यू टू क्यों कि मैंने जो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स और ये सब लगा दिए वेसल पे, जिसके वजह से आई एम सेफ इनफ टू प्रोसीड फॉर अ इंटरनेशनल वॉयज, वन इंटरनेशनल वॉयज या जो भी उसमें लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो उस केस में एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। फिर है स्पेशल ट्रेड, अगर है तो स्पेशल ट्रेड पैसेंजरशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट एंड स्पेस सर्टिफिकेट, ये हो गया। उसके बाद क्या न्यूक्लियर पैसेंजरशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट, अगर न्यूक्लियर पैसेंजरशिप है तो देन। फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स कितने हैं, वो भी लाइसेंस्ड होने चाहिए, लाइसेंस्ड मेडिकल ऑफिसर एंड नंबर ऑफ अटेंडेंट्स, जो बस येलो में मार्क कर रहा हूँ यही मतलब वर्ड्स यही हैं, बाकी ये सब तो कि नंबर ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, लाइसेंस्ड मेडिकल ऑफिसर ये ऑन बोर्ड और नंबर ऑफ अटेंडेंट्स। फिर फूड फ्यूल एंड प्योर वाटर ओवर एंड अबव व्हाट इज नेसेसरी फॉर क्रू एंड द अदर थिंग्स प्रिस्क्राइब्ड या फॉर द पिलग्रिम and the other things prescribed for pilgrim ships having a placed on board quantity prescribed special trade during the voyage। okay, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि food, fuel, pure water or the water is the availability of these things are in abundance for the crew and the passengers। फिर क्या in the case of इन द केस ऑफ स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप, तो इसमें वो फॉरवर्ड स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप फाउल वेदर जब होगा, तो स्पेशल ट्रेड पैसेंजर इन केस ऑफ स्पेशल ट्रेड पैसेंजर शिप फाउल वेदर एज सच इन रूल टू carrying upper deck passengers furnished with substantial bulwark with a double awning or with other sufficient protection against the weather। तो बस ये है इसमें कि in case of special trade passenger ship if foul weather is there where the passengers are carried on the upper deck it should be furnished with substantial bulwark or double should be furnished with substantial bulwark for the protection against the weather। बस these things to remember। और क्या है ये, फिर वही है कि in case of the passenger special trade passenger ship the number of the cabins and embarkation at the port of embark। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है, this is not much such other particulars if any as may be prescribed for, तो ये यहाँ पे लिखा है as may be prescribed for pilgrim ships, तो ये इसलिए लिखा गया है कि अगर कुछ नया चीज आता है तो you have to opt that also। so this is certificate A and certificate B। certificate A में क्या है, seaworthy, properly equipped, fitted and ventilated,
नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेड पैसेंजर्स जो कि ऑनबोर्ड हों, फिर बी में क्या चाहिए कि जो वॉयज कर रही हो, फिर ऑफिसर एंड सीमेंस हो इनफ, मास्टर को होल्ड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेट है, या पैसेंजरशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट हो एग्जम्पशन अकंपनीड बाय एग्जम्पशन और अ स्पेशल ट्रेड पैसेंजरशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट एंड अ स्पेशल ट्रेड पैसेंजरशिप स्पेस सर्टिफिकेट। तो इसमें जो है ये पैसेंजरशिप सेफ्टी सर्टिफिकेट अकंपनीड बाय एन एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंड सर्टिफिकेट ए जो है ना, ये उन शिप्स के लिए रहेगा जो कि ओरिजिनली में ही, मतलब दे आर रियली अ पैसेंजर शिप, और ये वाला पैसेंजर शिप सेफ्टी सर्टिफिकेट उन शिप्स के लिए जो कि बनेंगी, तो उनमें एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी आएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन अकंपनीड बाय एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, क्योंकि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट तो हर शिप को नहीं दिया जाता है, ओनली फ्यू ऑफ देम गेट द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। तो बस इसमें ये रटना है कि पैसेंजरशिप सर्टिफिकेट एंड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर ऑनबोर्ड मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए, फूड होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर फाउल वेदर है तो प्रोटेक्शन जो है बुलवॉक से होनी चाहिए जो कि अपर डेक के पैसेंजर्स के लिए, और क्या है नंबर ऑफ कैबिन्स एंड एम्बार्केशन एट द पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। तो ये तो इट इज ईजी, ये भी जी और एच इज If you won't say also, this is also okay. At least F तक तो याद है, और section 242 है, ये 242, 241, यहाँ पे 237. So these are it. Then यहाँ पे ये भी लिखा है कि grant कैसे करना है, फिर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी एग्जिबिटेड, ये सब भी लिखे हुए हैं। समबडी वॉन्ट टू रीड देन रीड, अदरवाइज इट इज नॉट बीन अस, ए और बी सर्टिफिकेट ही बस लिखे रहते हैं, दैट इज ओनली देयर। ये तो कंट्रीज लोड लाइन कन्वेंशन, हाँ रेडियो रिक्वायरमेंट ये बताना था कि यहाँ पे 291 से रेडियो रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है रेडियो रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट आई विल नॉट मार्क दिस वन। यहाँ पे ये लिखा है कार्गो शिप लेस देन 1600 टन ग्रॉसेस, एवरी इंडियन शिप और द कार्गो शिप, यहाँ 300 लिखा हुआ है और मोर शैल इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 296, ये लिखा, तो यहाँ 300 लिखा है, यहाँ पे 1600 भी लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये 300 पे भी होना चाहिए फॉर एन इंटरनेशनल एवरी इंडियन पैसेंजर शिप एंड एवरी इंडियन कार्गो शिप ऑफ 300 ग्रॉस टनेज एंड अबव, टू बी प्रोवाइडेड विद रेडियो इंस्टॉलेशन एंड शैल मेंटेन अ रेडियो टेलीफोनी सर्विसेज, अ टेलीफोनी सर्विसेज टू बी प्रिस्क्राइब नेचर एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद दिस सर्टिफिकेट ऑपरेटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके तो इसमें 296 बोला है, वी विल जस्ट लुक एट 296 आल्सो हियर। Power to make rules. The central government carry out the process. In particular, prejudice. Okay, this is all written over here. तो इसमें कुछ है नहीं, but just we have to remember कि यहाँ पे 300 gross tonnage का दिया हुआ है, और जो government बोल देगी, जो हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 300 टनेज वाले तुम हो, तुम इंटरनेशनल वॉयजेस में जा रहे हो या तुम कहीं भी जा रहे हो अकॉर्डिंगली, जो कि हमारा जीएमडीएसएस का रूल है,
तो मतलब कि जो हमारा GMDSS करवाते हैं रेडियो डिपार्टमेंट, तो रेडियो डिपार्टमेंट जो कह देगा कि हाँ इस शिप को चाहिए तो चाहिए, इस शिप को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, या जो भी गाइडलाइंस बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिटन बिकॉज दिस इज रूल्स, सो दिस विल से कि दैट रूल इज सेइंग वॉट एवर, सो वी यू हैव टू डू दैट वन. उसके बाद क्या, द रेडियो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड अंडर द सेट रूल टू बी प्रोवाइडेड फॉर अ पैसेंजर शिप और एनी फॉर एनी कार्गो शिप ऑफ 1600 शैल बी रेडियो टेलीग्राफ इंस्टॉलेशन. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो है टेलीग्राफ इंस्टॉलेशन. यहाँ पे रेडियो टेलीग्राफ सर्विसेज और रेडियो टेलीफोन दोनों में से कोई एक, यहाँ पे सीधा बताया रेडियो टेलीग्राफ एंड दैट टू बी प्रोवाइडेड शैल बी ईदर अ रेडियो टेलीग्राफ इंस्टॉलेशन और अ टेलीफोनी. सो सेम वर्ड्स आर यूज, सॉरी फॉर दिस वन, बट सेम वर्ड्स आर यूज, सेम वर्ड ही यूज किया है इन्होंने, कोई डिफरेंट नहीं है. तो इसमें बस ये दिखाना था मुझे कि 300 ग्रॉस टनेज का यहाँ से भी रिक्वायरमेंट है. दैट्स वाई इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सोलास. सोलास में भी बहुत सारी इक्विपमेंट है जिसका 300 ग्रॉस टनेज का रिक्वायरमेंट है. इसमें ये था रेडियो लॉग 293. दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज बीन आस्क्ड. तो 293 में एवरी शिप कंपल्सरी इक्विप्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 291. तो 291 इसने बोल दिया इसलिए क्योंकि वहां पे 300, तो रेडियो लॉक का या किसी चीज का भी रिक्वायरमेंट कितना है, 300 ग्रॉस टनेज एंड अबव के ऊपर रेडियो लॉक चाहिए ही चाहिए. विद रेडियो टेलीग्राफ और टेलीफोन इंस्टॉलेशन रूम रेडियो लॉक ऑपरेशन द प्रोविजन ऑफ 215 शैल अप्लाई टू द रेडियो लॉक कीपिंग वेदर एंड If it is an official log, तो 215 कहाँ गया? 215 जो है वो official logbook का था. 215 भी बताया. Offences in respect of official log, तो इसका जो है सेक्शन ये 215 का, इसमें जो लिखा official logbook shall be kept in, कि मतलब रेडियो लॉग बुक में भी कुछ भी एंट्रीज हैं तो वो भी हमारे ऑफिशियल लॉग बुक के साथ मैचअप होनी चाहिए. तो let's see what is that. The provision of section 215 that is shall apply to the radio log keeping under the section as if it were an official log. अच्छा, तो official log में जो वहाँ पे 215 में कहा गया है, तो 215 में that is an offence. Officially एक सेकेंड देखना पड़ेगा मुझे अभी. Sus 218, 219. No person shall make or proceed to be made assist in, मतलब उसको खराब नहीं करना, उसके अंदर कोई रॉन्ग एंट्री और ये सब नहीं करनी है, और उसको किसी और को हेल्प भी नहीं करनी है कि वो खराब हो जाए. तो दिस इज द सेम थिंग कि मतलब रेडियो लॉगिंग में कुछ कट्टा पिट्टी मत करो, और साथ साथ में ऐसा नहीं कि रॉन्ग एंट्रीज की हुई हैं. तो दिस इज द सेम, 215 भी अप्लाई होगा हमारा 293 के साथ. तो दिस इज व्हाट इज गिवन. यहाँ पे बोल दिया कि 300 ग्रॉस टनेज एंड अबव, और यहाँ पे 215 लगा दिया कि इसका मतलब है कि उसे खराब नहीं करना है. दिस वन, इसमें ये 293 इम्पोर्टेंट था, और वो 300 ग्रॉस टनेज जो कि 291 में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है. फिर ये सिग्नलिंग लैंप किस वेसल पे रिक्वायर्ड है. एवरी इंडियन शिप एक्सीडिंग 150 टनेज एंड ग्रॉस शैल व्हेन प्रोसीडिंग टू द शिप इन इंडिया, ये वाला ओके. और इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज 2 नॉटिकल माइल्स है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से. बाकी गूगल में लिखेंगे
the we will find 5 nautical miles, 7 nautical miles, because they are made like this. 2 nautical miles the minimum honi chahiye, but uske siwa inhone range badha chadha karke di hui hai. So it is 2 nautical, it is not 5, not 6, not 7, not 10, nothing. 2 nautical miles jo ki performance standard mein likha hua hai. Yeah, exemption certificate cut 302. The owner or the master of the Indian ship which is exempt from any of the provision of the construction rules or of this act and the rule made there under relating to the life saving or firefighting and the radio telegraphy telephony installation shall, on application to the officer appointing in the behalf of the central government, receive from such officer a certificate in the prescribed format to be called exemption certificate. इसका मतलब है कि exemption certificate जो है वो उसी format में होना चाहिए और वो officer जो कि approved है वही दे देगा. That's that. Durations and all this is written कि cargo ship का क्या है, passenger ship का 12 month. ये यहाँ भी written है जो 16 में है, that is all been duration of the certificate यहाँ पे written है. बहुत सारे होंगे जब पैसेंजर शिप को यहाँ पर 12 मंथ रिटर्न है, 5 ईयर्स रिटर्न है, बट 16 में बेटर तरीके से है यहाँ से भी. बट इफ समबडी वांट क्या है तो यू कैन रीड. नेक्स्ट है ये लोड लाइन. तो लोड लाइन 310 से लेके 330 तक है. ये जो 330 तक का है ये बताऊंगा, इसमें भी कुछ स्पेशल हैं. आई विल बी कैरिंग आउट. ये 330 में टिम्बर है तो दीज ऑल आर देयर, सो विल फॉलो विद द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वीडियोस वन.